झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, एड्रेस हिरन मगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 0294-2460-709। पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा, उदयपुर शहर में जाना पहचाना एवं विश्वसनीय एकमात्र आटा चक्की का शोरूम सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ पर सभी तरह की आटा चक्की रिटेल एवं होलसेल रेट पर उपलब्ध है। व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है। हमारे यहाँ पर नटराज, स्वास्तिक, सांवरिया, निराली, कृष्णा, महारानी, परनामी, मिल्टन और भी कई नामी कंपनियों की चक्कियाँ होलसेल एवं रिटेल पर उपलब्ध हैं। सभी चक्कियों पर 5 वर्षों की गारंटी। नकल से सावधान, उदयपुर में हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। तो आज ही आए सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखला बाजार, भड़बूजा घाटी, उदयपुर। कॉल एट 9828043161, 9314186475। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। भाजपा के कद्दावर नेता कटारिया के राजनीति से संन्यास की घोषणा सोशल मीडिया पर हुई वायरल, इच्छा या षड्यंत्र का शुक्रवार को जन्मदिन समारोह में होगा खुलासा। खाकी की पकड़ से दूर कपड़ा चोरियों को ग्रामीणों ने दबोचा, थूर के एक गाँव की दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। कविराव बख्तावर सिंह रचित केहर प्रकाश के दूसरे संस्करण के विमोचन समारोह में पहुंची कई विभूतियां, शिक्षा को एक करने पर हुआ मंथन। और वेतन विसंगतियों को लेकर पुलिस कर्मियों का मैस का बहिष्कार जारी, प्रतापगढ़ के जवान द्वारा आत्महत्या के प्रयास से बढ़ सकता है विरोध। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं इच्छा या षड्यंत्र की। मेवाड़ भाजपा के कद्दावर नेता, गृह सेवक और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे 74 वर्ष के हो चुके हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसलिए वह अब चाहते हैं कि उनकी इस स्थायी सीट पर किसी नए चेहरे को मौका मिले और वह अपना बाकी जीवन संघ में लगाना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में भाई साहब को जानने वाले किसी भी इंसान ने जैसे ही ये घोषणा पत्र सोशल मीडिया पर पढ़ा, हैरान और अचंभित हो गया। दिन भर ये मैसेज आगे से आगे बढ़ता गया और जयपुर से चलकर भाई साहब के गढ़ उदयपुर तक आ गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कटारिया की ओर से नहीं की गई है, इसलिए अभी तक इसे कोरी अफवाह ही माना जाए। वैसे आपको बता दें कि शुक्रवार को मेवाड़ के लाडले और जन जन के लोकप्रिय गुलाब चंद कटारिया जीवन के 74 वर्ष पूर्ण कर 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर में कई आयोजन भी होंगे। ऐसे में शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब होते समय भाई साहब इस बात का भी पर्दाफाश कर देंगे कि ये षड्यंत्र है या सत्य। वैसे आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस घोषणा पत्र में अक्षरशः क्या लिखा हुआ था। कटारिया के राजनीतिक संन्यास की घोषणा। जयपुर भाजपा प्रदेश की हुई बैठक के बाद राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने जयपुर में कहा कि अब मैं 74वें वर्ष पूर्ण करने वाला हूं और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कमजोर महसूस कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि नए लोगों को मौका मिले। उनसे जब अगले विधानसभा चुनाव के बारे में पूछा तो कहा कि अगली बार भी प्रदेश में भाजपा ही सरकार बनाएगी, और रहा सवाल खुद के चुनाव लड़ने का, तो मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा और राजनीति से पूर्ण संन्यास लेकर संघ को अपना पूर्ण समय दूंगा। गृह मंत्री जी के संन्यास की घोषणा के बाद उदयपुर विधानसभा और राजस्थान की राजनीति में नए बदलाव की उम्मीद है। वेतन विसंगतियों की मांग को लेकर आंदोलनरत पुलिस कर्मियों का मेस को बहिष्कार करने का क्रम प्रदेश भर में जारी है। इस बीच प्रतापगढ़ में एक जवान द्वारा आत्महत्या के प्रयास ने आंदोलन में और आग फूंक दी। खाकी के जवानों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है।
वहीं सरकार इस मसले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। प्रतापगढ़ जिले में तैनात एक पुलिसकर्मी ने वेतन कटौती समेत अन्य मांगे जाहिर करते हुए सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद आत्महत्या का प्रयास किया, जाना बताया जा रहा है। 5 पेज का सुसाइड नोट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कांस्टेबल ने अपनी सारी व्यथा बताई है। वहीं पुलिस की मदद के लिए आमजन को भी गुहार करते हुए लिखा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल की दिमागी स्थिति सही नहीं होने व उपचार चलने की बात कहते हुए अधिक दवा सेवन से तबियत बिगड़ने की बात कही है। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल सुभाष विश्नोई, जो वर्तमान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रतापगढ़ में तैनात हैं, इस कांस्टेबल के नाम से एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसने पुलिस सेवा के दौरान होने वाली पुलिस कर्मियों की परेशानियों का समाधान नहीं होने से खुद को आहत बताया। इस सुसाइड नोट में अधिकारियों और आमजन से भी अपील की गई है। उदयपुर शहर में लंबे समय से कपड़ा व्यापारियों की नाक में दम करने वाली आदतन महिला चोरों को आखिरकार फेनियों का घुड़ा गांव के शातिर लोगों ने धर दबोचा। गांव में ही स्थित साड़ी की दुकान में चोरी करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में देखी तो भागते चोरों को दुकान मालिक और ग्रामीणों ने दौड़कर पकड़ लिया, जहां महिलाओं ने दोनों चोरनियों की जमकर पिटाई भी कर डाली। तलाशी लेने पर उनके पास करीब आधा दर्जन से ज्यादा साड़ियां मिली। इसे देखकर दुकान मालकिन पुष्पा और ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए। करीब एक घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद अंबामाता थाने का एक पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल पर आया और ग्रामीणों की चुंगल में आई दोनों चोरनियों को हिरासत में लेकर थाने ले गया, जहां पुष्पा साड़ी की मालकिन की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। दोनों चोरनियों के नाम सीता और मोहनी बताए जा रहे हैं, जो पहले भी इसी थाना क्षेत्र के कपड़े की दुकानों में चोरी करती हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को उदयपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। दिल्ली के पूर्व मुख्य सेवक शीला दीक्षित के सलाहकार रहने के बाद इन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद संभाल रहे हैं। पवन खेड़ा मूल रूप से उदयपुर के ही हैं और यहां पर पारिवारिक कारणों से आते भी रहते हैं। निजी यात्रा में आए खेड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में अमित शाह के बेटे जय शाह के मामले को लेकर पहले भाजपा और बाद में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। खेड़ा ने कहा कि टेंपल एंटरप्राइज जैसी कंपनी जो सिर्फ एक कमरे में चलती है, उसका मुनाफा 16,000 गुना कैसे हो सकता है। जय शाह की ओर से एक कमरे के ऑफिस का किराया 80 लाख रुपए बताया गया, जो कि नामुमकिन है। साथ ही कुसुम फिनसर्व कंपनी में हुए घोटालों को लेकर भी खेड़ा ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से 6,26,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी के एवज में 25 करोड़ का ओवरड्राफ्ट देना कहीं न कहीं संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। जिस तरह से पीयूष गोयल के मंत्रालय ने नियमों को ताक में रखकर पवन चक्की के लिए लाइसेंस दिए, उसके बाद भी अब गोयल जय शाह की वकालत कर रहे हैं और उसे बचाने में लगे हुए हैं। इस बात से तो साफ हो गया है कि पूरी की पूरी भाजपा एक हो गई है और गलत काम का साथ दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राइवेट व्यक्ति के लिए केंद्रीय सेवकों की ओर से बचाव करना और सॉलिसिटर जनरल से वकालत करना पूरे मामले में गोलमाल दिख रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पवन खेड़ा ने प्रधान सेवक से मांग की है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज से जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी करवाएं, ताकि पूरा सच सभी के सामने आ सके। देखिए, 2014 का जब चुनाव था तो एक व्यक्ति कैंपेन करने निकला, बोला कि मैं आपका चौकीदार बनूंगा, मैं प्रधान सेवक बनूंगा, प्रधानमंत्री नहीं, और न खाऊंगा न खाने दूंगा। अभी 8 तारीख को एक पोर्टल पे एक आर्टिकल छपा, जिससे ये मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री जी, माफ़ कीजिएगा, प्रधान सेवक जी के नाक के नीचे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में, अमित शाह जी के घर में जो व्यापार जो कंपनी कर रही है उस पर सवालिया निशान खड़े हुए। देश प्रतीक्षा कर रहा था कि विकास की जय होगी इस सरकार में, और हुआ क्या, जय का विकास हुआ। जय कौन? जय शाह। ये जय शाह कौन है? अमित शाह जी के सुपुत्र। उनकी एक कंपनी है जी, टेंपल एंटरप्राइजेस, जो 2013-14 तक तो नुकसान दर्ज करती थी, होता है कई कंपनियों में नुकसान होता है। सरकार बनने के बाद 50,000 का लाभ दिखाया गया, वो भी जायज सा लाभ है, कोई अप्रत्याशित नहीं हो जाता है। अचानक 8 महीने में 80 करोड़ की आवक दिखाई। पूछा, भाई क्या करते हैं आपकी कंपनी? तो बोले
एग्रो प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर 2016 में वो कंपनी नुकसान दिखाते हुए बंद कर दी जाती है। इन्फ्लेटेड बिल्स हैं, बड़े बड़े लॉसेस दिखाए और कंपनी बंद हो गई। तो ये 80 करोड़ में से 51 करोड़ जो है विदेश से आया, इन्हीं के खाते दिखाते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि आपका क्या व्यापार था, किससे आप सामान खरीदते थे विदेशों में? अगर 51 करोड़ विदेश से आया तो किस देश से आपने क्या सामान खरीदा, कितने में खरीदा, किसको बेचा, कितने में बेचा? आप सत्ता में हैं, आपके पिता सत्ता में हैं, तो ये फ़र्ज़ है आपका और जनता का अधिकार है जानना कि ये व्यापार क्या था। 16,000 गुना वृद्धि, 16,00,000% वृद्धि हमारे और आपके व्यापार में आती हुई तो कभी नहीं दिखती, ये कैसे हुआ? सिर्फ प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके उत्तर नहीं मिल रहे। दूसरी कंपनी है कुसुम फिनसर्व। कुसुम फिनसर्व का काम है शेयर और लिखते हैं आयात निर्यात। इनके तमाम डायरेक्टर में से किसी के पास ये अनुभव नहीं है कि बिजली का, पवन चक्की का कोई अनुभव हो, लेकिन इन्होंने 2.1 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बना के, तब पीयूष गोयल जी मंत्री थे, उनका उनके विभाग के अंतर्गत अंतर्दिन आता है इरेडा, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, PSU है। उसके नियम यह है कि 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट को मंजूरी देना, लेकिन इस केस में बिना अनुभव के 2.1 मेगावाट की कंपनी को 10 करोड़ 38 लाख या 10 करोड़ 35 लाख का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। रतलाम जो कि BJP शासित मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ ये लगाना था। हम ये जानना चाहते हैं रतलाम में कहाँ है ये ज़मीन जिस पर ये प्रोजेक्ट लग रहा है, कहाँ तक पहुँचा ये प्रोजेक्ट? आपको अनुभव तो नहीं था, फिर भी आपको कैसे मिल गया? कुसुम फिनसर्व को कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक 6.2 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखवा कर 25 करोड़ का ऋण दे देता है। हम बोल रहे हैं ऋण, ये कहते नहीं साहब ओवरड्राफ्ट है या वर्किंग कैपिटल है। हम में से किसी को दिलवा दीजिए 6.2 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रख के 25 करोड़ का ओवरड्राफ्ट, वर्किंग कैपिटल, जो आप कहना चाहिए, ऋण जो भी कहना चाहें दिलवा दीजिए। डिमांड ये है कि आप 2 sitting judges सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाँच करवाइए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ईमानदार पर आरोप नहीं लगने चाहिए गलत, और गलत आदमी बचना नहीं चाहिए। अगर ईमानदार हैं तो साफ निकल आएंगे, और अगर गलत हैं तो वो भी साबित होना चाहिए। तब तक अमित शाह साहब को आप इस पद से दूर रखिए ताकि जांच को प्रभावित न कर सके और निष्पक्ष हो सके। और बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी टू व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाए। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने टू व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738।
ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकिल सूरजपुर उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ 2999 रुपए में, वन सर्विस फ्री, हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स ओनली वन सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सलून, स्काई ब्लू टावर नियर CA सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 बी ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982011773, 7230507786। राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विशेष उपहार। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 10 मासिक किश्तें एवं डाउन पेमेंट पर 50% की विशेष छूट। यह ऑफर मात्र 25 अक्टूबर तक मान्य है। सीमित प्लॉट, तो जल्द ही प्लॉट बुक करवाएं। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 9460620692098296324983। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरूल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रोसर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन,
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन आरके एंड लेजर, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में 7 से 9 नवंबर तक होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट को लेकर गुरुवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एग्रीटेक मीट को कैसे सफल बनाया जाए इस पर चर्चा की गई। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सीटीआई में होने वाली एग्रीटेक मीट में होने वाली व्यवस्थाओं सहित वहां पर की जाने वाली तैयारियों को लेकर संभागीय आयुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर की मौजूदगी में कृषि विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया। वहीं पिछले वर्ष कोटा और जयपुर में हुई एग्रीटेक मीट में जो प्रेजेंटेशन दिया गया उसके आधार पर इस बार उदयपुर में आयोजित इस मीट को सफल बनाने को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस मीट में पूरे संभाग से सैकड़ों किसान भाग लेंगे और उसके लिए अलग अलग विभाग की ओर से की जाने वाली व्यवस्थाओं पर बैठक में मौजूद अधिकारियों से संभागीय आयुक्त ने जानकारी ली। बैठक में नगर निगम, कृषि विभाग, पुलिस विभाग सहित सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। जनार्दन नारायण नागर, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत ने कहा कि कोई भी देश अपने नागरिकों को शिक्षित किए बिना विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक होनी चाहिए तथा विश्वविद्यालयों में शोध एवं अनुसंधान के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी शैक्षणिक प्रवृत्तियों में गुणात्मकता की वृद्धि होगी तथा शिक्षा परिसरों का वातावरण भी अकादमिक रह पाएगा। श्री सारंग देवोत गुरुवार मध्याह्न में उच्च शिक्षा की चुनौतियां, गुणवत्ता के सवाल विषय पर आयोजित कविराव मोहन सिंह स्मृति व्याख्यान में अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे थे। व्याख्यान के मुख्य वक्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला ने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर पाश्चात्य रीति नीति की शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया जो भारतीय शिक्षण पद्धति के विपरीत थी, जिससे हमारी संस्कृति का हास ही नहीं हुआ बल्कि पुरातन ज्ञान केंद्र भी नष्ट हो गए। इससे पूर्व मुख्य अतिथि देवस्थान आयुक्त जितेंद्र उपाध्याय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्जागरण की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किए बिना उच्च शिक्षा की गुणात्मकता में सुधार किया जाना संभव नहीं है। प्रारंभ में सुप्रसिद्ध कवि और विचारक किशन दादीश ने विषय प्रवर्तन करते हुए चिंता व्यक्त की कि सियासत और गैर जरूरी दखलंदाजी से उच्च शिक्षा संस्थानों का ढांचा चरमरा गया है तथा एक अस्थिरता का वातावरण बन गया है। उन्होंने शैक्षणिक व्यवस्था के तीन घटक, छात्र, अध्यापक और अभिभावक के समन्वय के शैक्षणिक त्रिभुज के निर्माण की आवश्यकता जताते हुए कहा कि संविधान में शिक्षा का समवर्ती सूची में होना एवं राष्ट्र की एक समान शिक्षा नीति का न होना शिक्षा परिसरों का वातावरण दूषित होने का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि यदि एक संप्रभु देश का राष्ट्रगान एक है, राष्ट्रीय गीत एक है, राष्ट्रीय चिन्ह एक है, राष्ट्रीय पक्षी एक है, तो शिक्षा पद्धति एक क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने ज्ञानार्जन के केंद्रों को आजीविका अर्जन के केंद्रों के रूप में विकसित करने की नीति की भी आलोचना की। संचालन डॉक्टर धीरज प्रकाश जोशी ने किया, धन्यवाद कुल प्रमुख भंवर लाल गुर्जर ने किया। इस अवसर पर कविराव मोहन के प्रपिता माह कविराव बख्तावर रचित महाकाव्य केहर प्रकाश के दूसरे संस्करण का लोकार्पण भी किया गया। समारोह में कविराव मोहन सिंह पीठ के अध्यक्ष उग्रसेन राव, प्रोफेसर GM मेहता, प्रोफेसर PC दोषी, डॉक्टर शशि चित्तोड़ा, विशेषाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर दादीच, डॉक्टर हरीश शर्मा, डॉक्टर मंजू मांडोत, डॉक्टर मनीष श्रीमाली, डॉक्टर सरोज गर्ग, डॉक्टर शैलेंद्र मेहता, डॉक्टर अमिया गोस्वामी, डॉक्टर भवानीपाल सिंह राठौड़, डॉक्टर बलिदान जैन, डॉक्टर वीना द्विवेदी, डॉक्टर SB नागर, डॉक्टर रचना राठौड़, डॉक्टर अमी राठौड़, डॉक्टर सुनीता मूडिया, सुभाष बोहरा, जितेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर चंद्रेश छतलानी, डॉक्टर कुलशेखर व्यास, डॉक्टर दिनेश श्रीमाली, डॉक्टर भारत सिंह देवड़ा, डॉक्टर गौरव गर्ग सहित विद्यापीठ के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। मावली नगर में पिछले 6 दिनों से चल रहे चामुंडा माताजी के मेले का त्रिशूल गुरुवार को सायं करीब 4 बजे पुनः चामुंडा माता के मंदिर में ले जाया गया। मेले परिसर में मावली गांव स्थित चामुंडा माता के मंदिर तक त्रिशूल को भक्तगण कंधों पर ले गए। त्रिशूल के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे बैंड बाजे चल रहे थे, उसके पीछे लोगों ने त्रिशूल कंधे पर उठा रखा था। इस मौके पर मावली सरपंच गेंदी देवी भील, समाज सेवी गोवर्धन जाट, सहायक सचिव राजेंद्र त्रिपाठी, सुंदर चौधरी, विनोद रेगर, सुभाष शोभावत, हीरालाल गायरी, चांदी देवी चौबीसा सहित वार्ड पंचों के अलावा ग्रामीणों ने भाग लिया।
और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भाजपा के कद्दावर नेता कटारिया के राजनीति से संन्यास की घोषणा सोशल मीडिया पर हुई वायरल। इच्छा या षड्यंत्र का शुक्रवार को जन्मदिन समारोह में होगा खुलासा। खाकी की पकड़ से दूर कपड़ा चोरियों को ग्रामीणों ने दबोचा। थूर के एक गांव की दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। कविराव बख्तावर सिंह रचित केहर प्रकाश के दूसरे संस्करण के विमोचन समारोह में पहुंची कई विभूतियां। शिक्षा को एक करने पर हुआ मंथन। और वेतन विसंगतियों को लेकर पुलिस कर्मियों का मैस का बहिष्कार जारी। प्रतापगढ़ के जवान द्वारा आत्महत्या के प्रयास से बढ़ सकता है विरोध। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।